आज का वीडियो हम करेक्ट टाइम करेक्ट एडवाइस का एग्जांपल लेके बना रहे हैं। एक पेशेंट है, इनका जो है लिटिल फिंगर के अंदर प्रॉब्लम है, पर साथ में क्या है कि इनकी इनिशियल स्टेज के ऊपर रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर जो है उनके एमसीपी जो जॉइंट है ये स्टिफ होने के बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। तो हम इनसे ये एडवाइस ये किया है कि हमने इनको जो है 1 मंथ का टाइम दिया है इनको ओपन करने के लिए, फिर उनके बाद में हम इनका जो है ऑपरेशन करेंगे और जो लिटिल फिंगर है उसको ठीक करेंगे। इसलिए बन रहा है क्योंकि ये काफ़ी दूर से आए हैं, इनका जॉइंट स्टिफ है, तो इनको अभी हमने कुछ 1 महीने का टाइम दिया है इससे कि अपने जॉइंट स्टिफ जॉइंट को ओपन कर ले और जो इनका जो ऑपरेटिव जो पार्ट है जो केवल ऑपरेशन से ही ठीक होगा उसके लिए हमने इनको बोला है। तो ये एक बार अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। कब लगी थी आपको चोट जो पूरा बता दीजिए? सितंबर में लगा था जी। तो सितंबर में लगा था, तो ये मेरा काफ़ी 2-3 डॉक्टर के पास गया तो ऑपरेशन किया, इसमें रड डाल दिया, फिर सीधी हो गया, लेकिन रड जब निकाला तो फिर आपस फिर टेढ़ा हो गया, आज काफ़ी दर्द हो रहा है। और ये बाकी जो ये अगर ये इसमें प्रॉब्लम था तो ये जॉइंट भी आपका स्टिफ हुआ ना नीचे वाला? हाँ, नीचे वाला भी। और ये भी धीरे धीरे पेन कर रहा है? पेन कर रहा है। ऐसा करते करते क्या होता है, पेशेंट को अगर अवेयरनेस नहीं होती है तो सारे जॉइंट जो है जाम होना चालू हो जाएंगे और इन फ्यूचर जो इनकी ग्रिप ये होनी चाहिए, ये ग्रिप होनी चाहिए, वो इनको ग्रिप देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि इनका इन फ्यूचर अगर ज़्यादा पेशेंट अवेयरनेस में नहीं है और प्रॉपर टाइम पर आकर ट्रीटमेंट और प्रॉपर एडवाइस नहीं ले रहा है तो जो ये स्पेस जो होता है फर्स्ट जो स्पेस है अपना वेब स्पेस है ये भी इसमें धीरे धीरे पेशेंट का क्या होता है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपने बाकी वीडियोस में आपने देख रखा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हैं। अभी हमने इनको जो है एमसीपी जॉइंट का जो है रिंग फिंगर का और पीआईपी जॉइंट के लिए जिनको एक्सरसाइज है करेक्ट पोस्चर के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो बता दी है। ठीक है ना, तो अभी इनको हमने 1 मंथ का जो है टाइम दिया है, 1 मंथ बाद में अपने जो भी फिंगर्स के जितने भी जॉइंट बाकी जो जॉइंट्स स्टिफ हैं उनको ये ओपन करके आएंगे, फिर जो इनकी जो ये प्रॉब्लम है ये परमानेंट जो प्रॉब्लम है जो कि ना तो स्ट्रेट होती है, ये बिल्कुल ही यहाँ पर फिक्स है, ये बिल्कुल है ना इनका जो पीआईपी जॉइंट है बिल्कुल फिक्स है, ना तो ये फ्लेक्शन में हो रहा है ना एक्सटेंशन में हो रहा है। तो ये इसका इनकॉर्पोरेशन हम बाद में करेंगे जब ये बाकी जो जॉइंट्स हैं उनको ओपन करके आ जाएंगे। ठीक है सर? ठीक।